जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम एक ट्रिप पे चलते हैं, माँ चंद्रिका देवी मंदिर की ट्रिप पे। और ये ट्रिप शुरू होने वाली है रामेश्वर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ, एमएड बीएड और डीएड के बच्चों के साथ। ये ट्रिप रामेश्वरम ग्रुप के इंस्टीट्यूट से माँ चंद्रिका देवी मंदिर पे जाने वाली है। आप सभी का स्वागत है, आइए हम सब मिलकर एक साथ इस ट्रिप को शुरू करते हैं। तो आप इन बच्चों से मिलिए, ये एमएड के वो विद्यार्थी हैं जो क्लासरूम से भागकर जल्दी से आके विंडो सीट लेना चाहते थे। भाई बस ट्रेन हो या प्लेन, हम सबको विंडो सीट चाहिए क्योंकि हमें बाहर का नज़ारा देखना होता है। कुछ इस तरीके से बस में सीट पाने के जंग से हमारी यात्रा शुरू होती है। जैसे ही मौका मुझे मिला, मैं भी बस के अंदर आ गया। लेकिन ये क्या, बस तो ऑलरेडी पहले से भरी हुई थी, लेकिन बड़े ही अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे सीट ऑफर कर ही दिया। इस तरीके से हमारी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। और एज यूजुअल एक सच्चे देश के नागरिक होने और एक अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय देते हुए, आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं इस नारे के साथ, भारत माता की। भारत माता की जय के नारों के साथ फाइनली हमारी यात्रा प्रारंभ होती है अपने कॉलेज कैंपस से माँ चंद्रिका देवी मंदिर के लिए। तो आइए आप भी सवार होइए और चलिए शुरू करते हैं यात्रा को। एक मिनट, ये क्या अभी हम सबको देखने को मिला, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा इस चीज को। यात्रा के संचालन होने के नाते मुझे खड़े होकर यात्रा करना पड़ा, क्योंकि इस पूरी यात्रा में अंताक्षरी, डमशेलाट और सारे प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मेरी थी। शिवम की शानदार शायरी, दीपक की कॉमेडी, सीमा, श्रद्धा, शिवानी और स्वेच्छा के शानदार गानों के साथ हमारी मंगलमय यात्रा निकल चुकी थी अपने मंजिल की तरफ। मैम के उन शानदार गानों को कैसे भूला जा सकते है, आइए एक बार मैम के उन गानों को सुनते हैं। मैम के शानदार गानों से रास्तों का पता नहीं चला और कुछ इस तरीके से आनंदमय तरीके से हम रास्ते को पूरा करते हुए फाइनली आ चुके थे माँ चंद्रिका देवी मंदिर के मुख्य द्वार पे, जहाँ से हमें मंदिर के लिए प्रवेश करना था। यहाँ सर ने बताया कि कितनी देर के लिए रहना है और वापसी में हम सबको कहाँ इकट्ठा होना है। गुरु जी के आगे पाकर सारे बच्चे निकल चुके थे मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए, और दर्शन के दौरान इनकी उत्साह ऐसी थी जैसे मानो मैराथन रेस में सबको प्रथम आने की लालसा हो। यात्रा के दौरान बच्चों ने एक अच्छा श्रद्धालु होने का भी प्रतीक दिया, यात्रा में वो जय जयकार लगाते जय जयकार के नारों के साथ सारे बच्चे एक बार फिर से एकत्रित हुए मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर, क्योंकि अब बारी थी मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए प्रवेश करने की। पूजा सामग्री और प्रसाद के साथ बच्चे एक एक करके मंदिर में प्रवेश लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जैसे मानो सभी के अंदर यही मनोकामना हो कि जल्द से जल्द प्रभु के दर्शन करने, विश्वविद्यालय टॉप करने की उनसे मन्नतें मांग ले, कामना कर ले। क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर कैमरे और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं, हमने वीडियो न बनाना ही उचित समझा। और कुछ इस प्रकार से सारे विद्यार्थी अपने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने के बाद, जो भी मन्नत थी, मनोकामनाएं थी, अपने श्रद्धा से अर्पित करने के बाद वापस मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं। मंदिर दर्शन से वापसी के बाद सबसे मन को प्रसन्नता तब हुई जब हमने देखा कि दीपक इस लक्ष्मी रूपी कन्या का पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुके। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये क्या, ये बालक तो अपना छुपाया हुआ जूता लेने के लिए झुका था। दर्शन करने के बाद अब बारी थी जलपान करने की, तो कैंटीन में सारे बच्चे एकत्रित हुए अपने अपने टिफिन के साथ, और हमें साथ मिला दीपक भैया का। आप इन्हें देखकर वेटर समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, ये हमारे ही दोस्त है जो हमें सर्व कर रहे थे। एमएड के सारे विद्यार्थी एकत्रित होकर यहाँ पे लंच कर रहे थे, तभी हमारी नजर पड़ी हमारी टोली से खुद को जुदा करके अलग बेंच पे बैठ कर लंच करने वाले उस दूसरी टोली पे। इन्हें दूर बैठ कर लंच करते देख हमें तो शक हुआ कि जरूर इनके पास कुछ खास है, जिसकी वजह से इन्होंने हमसे खुद को जुदा कर लिया है। करीब जाके देखने में पता चला कि इनके टेबल पे कॉफी और हाथ में आलू की टिक्की थी।
अब आप बताइए, मात्र एक कप कॉफी और आलू की टिक्की के लिए इन लोगों ने हमसे खुद को अलग कर लिया। अब बताइए, इनके इस कार्य के लिए इनको क्या सजा दी जानी चाहिए? सजा के तो बिल्कुल ये हकदार हैं, सजा के ये पात्र हैं, इन्हें बिल्कुल सजा दी जानी चाहिए। लेकिन छोड़िए, अपने ही क्लासमेट हैं तो इन्हें बस इस स्पेशल गाने के साथ छोड़ देते हैं। कॉपीराइट की वजह से बाकी ये बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, एमएड के काफी सपोर्टिव है, काफी हेल्पिंग नेचर के। बाद में इन्होंने जो भी टिफिन में लेके आया था हमें जरूर ऑफर किया था। फिर हमारी नजर पड़ी इस सेल्फी लेने वाले टीम की तरफ, जरा इनको देखिए। लेकिन एक सेकंड, फिर हमारी नज़र पड़ी डीएलएड के उन विद्यार्थियों की तरफ जो अलग अपना एक टीम बनाकर लंच कर रहे थे। इनके पास खाने के लिए नूडल्स, मोमोज, फ्राइड राइस और भी बहुत कुछ था, और ये इतने होनहार बालक है, इन्होंने आदर्श भाव दिखाते हुए इस कैमरामैन यानी मुझे भी लंच के लिए ऑफर किया। लेकिन मैं ऑलरेडी इतना खा चुका था, मुझे ना चाहते हुए भी इनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा। आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस लंच में खाने के लिए पूछा। एमएड डीएलएड से मिलने के बाद अब आइए मिलते हैं बीएड के विद्यार्थियों से। इनका खाना सबसे टेस्टी था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इनके द्वारा बनाया गया पास्ते की स्वाद कमाल थी, लाजवाब थी, बेहतरीन। जलपान करने के बाद अब बारी थी इस यात्रा के समापन की। तो गुरुजी की आज्ञा के अनुसार सारे बच्चे एक जगह एकत्रित होते हैं ग्रुप फोटो के लिए, क्योंकि इस ग्रुप फोटो के बाद इस यात्रा का समापन करना था। दोस्तों, यूँ तो जीवन में तमाम यात्राएं होती है, लेकिन वो यात्राएं जो अपने कॉलेज ग्रुप अपने दोस्तों के साथ की जाती है वो एक यादगार लम्हे के रूप में कैद हो जाती है। मैं आशा करता हूं हमारे कॉलेज रामेश्वर ग्रुप से चंद्रिका देवी मंदिर आने का यह ट्रिप आपको पसंद आया होगा। एज ए विद्यार्थी हम सभी को तो बहुत ही पसंद आया। इन सभी गुरुजनों के प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद से यह यात्रा संभव हो सका, जिसके लिए हम सभी विद्यार्थीगण इन सभी गुरुजनगणों के सदैव आभारी रहेंगे, सदैव शुक्रगुजार रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस यात्रा में जुड़ने के।